नमो अरहंकारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो अध्यायारम नमो लोए सर्वसामुरम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम ओंकार स्वरूपाय नमः जिनको दूत सरस्वती दिव्यो नमः रत्नत्रय धारक नेच भाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम समयसार जिंदा जिन श्यालवाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब जैन निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भये सिद्ध परमात्मा बन्नो। जीव का सामान्य लक्षण उपयोग है और ज्ञानी जीव का लक्षण शुद्ध उपयोग है। यद्यपि निचली भूमिका में चौथे पांचवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग निरंतर नहीं वर्तता है, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग पूर्वक ही एक गुणस्थान होते हैं और इन ज्ञानी श्रावकों की भावना भी शुद्धोपयोग की ही रहती है। पंडित टोटोमल जी ने सातवें अधिकार में एक चर्चा लिखी, कितने ही सम्यक दृष्टि तप नहीं करते उसके साथ में। ज्ञानियों को तपश्चरण की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को शुद्धोपयोग की इच्छा है। जिस प्रकार शुद्धोपयोग बढ़ता जाने उस प्रकार से कार्य करते हैं। शुद्धोपयोग कहो, साम्य भाव कहो, समता भाव, वीतरागता कहो, स्वरूप लीनता कहो, एक ही बात। जिस समता को साम्य भाव को धर्म कहा है वह साम्य भाव शुद्धोपयोग ही का नाम है। लौकिक वाले जीव जिसको शांति रखो समता रखो माने शीतलाचार का पोषण करो, ऐसी समता नहीं होती। तुम काय गुस्सा हो, तुम्हें कहा तुम काय फिर तुम्हें कहा लेना है, ऐसी समता नहीं होती। अयोग का निषेध भी है समता भाव और योग की विधि भी है। योग की विधि और अयोग का निषेध साम्य भाव के धारक जीवों को वर्तता है, सहज वर्तता है। नहीं तो साम्य भाव में देखो मोह राग द्वेष का निषेध वर्तता है कि नहीं। समता वाला जी साम्य भाव रूप परिणमित जीव, अरे देह को अपना नहीं मानता, परिवार को क्या अपना मानेगा, रुपया पैसा को क्या अपना मानेगा, देह को अपना मानने वाले जीव को कसाय की मानता हो जाए प्रसंग अनुसार, लेकिन समता भाव नहीं होता। ये पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है देह को भिन्न जाने। देह जीव को एक गिने तब तक क्या कुछ भी करो, शुभ करो अशुभ करो जो कुछ भी है, लेकिन बहिरातम तत्व हो जाए है, अज्ञानी है, मूढ़ है, असंयत है। कौन? जो देहादि को अपना मानता है। पर समय है, शब्द कुछ भी कहो, विराधक है, संसारी है, दुखी है। कौन? जो देह को अपना मानता है। देहाश्रित संबंध को सच्चा मानता है। देखो तो मोह की दशा, एक लड़का है और एक सेवक है। लड़का रहता बाहर और सेवक यहां रहता है और सेवा कर रहा पूरी। उसको तो देंगे खाली नपी तुली तनखा और लड़के को देंगे सब। मोह की दशा रे,
उसको केवल नपीतली तनखा देंगे उसमें भी, और जो लड़का है वो बाहर रह रहा कुछ नहीं है, वो पूरा अधिकारी हो गया बेटा। ये मोह की महिमा है। लोक में कहावत है घोंटू पेट को नमते हैं। जब घोंटू भी पेट को नमते हैं तो ये बता तेरा उपयोग आत्मा में क्यों नहीं नमता। तेरा उपयोग तेरे अंतर में रमे, अंतर में झुके, तभी तो तेरा ज्ञानी बना है। कैसा ज्ञान, कैसा प्यारा भजन है। एक एक भजन रोज कम से कम पढ़ा तो करो, याद मत करो, पढ़ो तो सही। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी, कैसा ज्ञानधारी है तू अपने को, कैसा ज्ञानी मानता है। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी रे। कुछ देह की क्रिया करके अपने को मान लिया मुक्त मार्ग। और भैया देह आत्मा दृष्टि हुए बिना देह की भी क्रियाएं उल्टी सीधी होती हैं। शीतलाचार को पोषण करने वाली क्रियाएं नहीं होना चाहिए। मुंडाज के स्वरूप में उसे बताया था आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अपने योग्य बाह्य क्रिया, अयोग्य क्रिया नहीं, अपने योग्य बाह्य क्रिया। अयोग्य क्रिया तो होती नहीं, अयोग्य क्रिया का तो निषेध है ज्ञानी के जीवन में, और योग्य क्रिया उसे खींच करके नहीं करनी पड़ती। कुछ अर्थ बताया था। अवात्सल्य तो होता नहीं, और वात्सल्य कह कर करके करना नहीं पड़ता, सोच सोच करके नहीं करना पड़ता। अवात्सल्य रूप व्यवहार तो होता ही नहीं है, लेकिन वात्सल्य रूप व्यवहार खींच खींच करके नहीं करना पड़ता, सोच सोच करके नहीं करना पड़ता। अब सोचे जाए कि नहीं जाए, बोले कि नहीं बोले, करें कि नहीं करें, ये मायाचारी की बात है। सब कुछ अनंतानबंदी कथा है। अपने योग्य बाह्य क्रिया, अभिनय तो होती ही नहीं, और विनय सोच सोच करके नहीं करनी पड़ती। मन के हिसाब से अभिनय नहीं होती और विनय नहीं होती। आज हमारा मन अच्छा हो तो हमने विनय कर लिया, और मन अच्छा नहीं तो बस अपने खत्म हो गए। मन के हिसाब से अभिनय होती है, अभिनय होती है। मन हुआ तो काम कर लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं। मन के हिसाब से सेवा होती है, बिना मन के। अरे नहीं प्रभु, ये अयोग्य क्रिया तो होती नहीं है, अयोग्य वचन बोलते नहीं है, अयोग्य चाल तो होती नहीं है, अयोग्य खान पान तो होता नहीं, अयोग्य पहना ओढ़ाव होता नहीं, और योग्य सोच सोच करके नहीं करना पड़ता। किसी के कहने से नहीं करना पड़ेगा अयोग्य का, योग्य का कहना नहीं पड़ेगा। तुम आज जोड़ो, तुम पांच हो, तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे पहनो, नहीं नहीं। टोकना भी है और अयोग्य रीति से भी नहीं टोकना है, अहंकार से नहीं टोकना है, बहुत वात्सल्य से टोकना भी है। ऐसा थोड़ी टोकना नहीं है, गुरुजन नहीं टोकेंगे तो कहा, ये तो तुम्हारे कौन ने लिखा, बच्चों के लिए। अगर गुरुजन नहीं डांटेंगे, माता पिता नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, कौन तुमसे टोकेगा। उनकी टोंक का बुरा मत मानो, उनकी टोंक पर ध्यान दो, वो तुम्हारा जीवन गढ़ रहे हैं। अनुचित जवाब देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो, विचार करो। तुम प्रचार करने खड़े हो, तुमसे कोई कह दे भैया ये ज्यादा, भैया नेक्स्ट डांग ले तो ढांक ले।
क्या बात है, अच्छी तो बात है, कौन बुरी बात है, भूल गए तो बता दिया भैया ये सुधार लो, आओ सुधार ले बेटा, जरा पानी लिया आओ ले आए, इसमें क्या छोटे हो गए तुम। गुरुजनों का आदर करने का मतलब केवल पांव छूना थोड़ी है, गुरुजनों का आदर करना माने उनकी टोंक पर ध्यान देना है, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना है। ये नहीं है अपने हिसाब से जो है, अपने हिसाब से सो तो हमने ग्रहण कर ली और बाद बाकी छोड़ दी, ये साधु का लक्षण नहीं है। साधु तो सार सार को ग्रहण करता है, सार को ग्रहण करने का मतलब ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करता है। तुमने तो अपनी इच्छा के अनुकूल ग्रहण कर ली और इच्छा के प्रतिकूल ऐसे छोड़ दी, ये हाल मान ली और दूसरी बात है नहीं मानी, बन को मानने को कोई गुंजाइश ही नहीं। योग्य और अयोग्य का विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। योग्य वचन बोलो, योग्य भोजन करो, योग्य का कपड़े पहनो, योग्य चाल होना चाहिए तुम्हारी। इधर उधर देख करके मत चलो, ऊपर को मुंह उठा करके मत चलो, मटका कमर मटका करके मत चलो, ना अधिक धीरे चलो ना अधिक जल्दी चलो, जैसे बोलने में ऐसे ही चलने में भी है। हो सही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हो सही। तो शुद्धोप योग ज्ञानी का लक्षण है, इसका अर्थ बता रहे थे आपको, ज्ञानी को और कोई अभिलाषा नहीं है, एक शुद्धोप योग की। ज्ञानियों का श्रद्धान है, ज्ञानी जानते हैं क्या, एक शुद्धोपयोग ही मेरे लिए शरणभूत है, सुखरूप है, आनंद रूप है, और बहिर्मुखी उपयोग ही हमारे सुख को घातने वाला है। तपश्चरण भी शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने प्रमाद को मेटने के लिए, निद्रा आदि को जीतने के लिए, काम आदि को जीतने के लिए तपश्चरण करते हैं, दिखाने के लिए नहीं करते, पुण्यबंध के लिए नहीं करते, पुण्यबंध तो होता है। अच्छे बच्चे स्कूल में इनाम मिलते हैं समय समय पर, लेकिन इनाम के लिए स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और सामाजिक पाठशालाओं में कैसा हाल है, इनाम बटे तो आज ना आएगा, इनाम नहीं खत्म, और रोज रोज इनाम बांटो बस, और सो रोज रोज भी बांटोगे तो जब इनाम बटे तो आ जाए बाद खत्म। नहीं भाई, ये तो व्यवस्था अच्छी नहीं है, इनाम का लोभ और दंड का भय नहीं, सच्ची समझ जागृत करो। कहने लायक बात कहना भी चाहिए, संबोधन समतामय हो ये बात अलग है, लेकिन कहना भी चाहिए। कई बुजुर्ग लोग कहते थे क्या करें, बच्चे मानते नहीं है घर में। हमने कहा देखो, उनको बहुत शांति से कह दो बेटा ये कार्य ठीक नहीं, ये नुकसान, बस अब तुम नहीं मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा दिन समझ में आया ता दिन तो सौ पिताजी ठीक कहते, या दादा ठीक कहते, चाचा ठीक कहते, उस दिन तुम्हें याद आएगी। ठीक कही थी उन्होंने, तो पहले ही कही थी, हमने ही नहीं मानी। तो शुद्धोपयोग को इसलिए हमने लक्षण कहा कि चौथा पांचवा गुण स्थान आदि भी ये भी है, भले वो शुद्धोपयोग की प्रधानता नहीं है, वहां प्रधानता शुभोपयोग की है। अगर शुद्धोपयोग की प्रधानता नहीं है तो तुम भी सुन लो कान खोल करके, अशुभोपयोग की भी प्रधानता नहीं है। अगर शुद्धोपयोग की प्रधानता नहीं है तो अशुभोपयोग की भी प्रधानता नहीं है। चौथे से छठवें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग है,
बढ़ता हुआ बात्सल्य है, घटता हुआ बात्सल्य नहीं है। बढ़ती हुई विनय है, बढ़ती हुई भैया वृत्ति है, बढ़ती हुई क्षमा है, घटती हुई नहीं। अपने परिणामों की परीक्षा करो भाई, अपने भावों को पहचानो, तेरी परिणति किधर जा रही। शुद्ध उपयोग का मतलब क्या है? जैसे शुद्ध शील का मतलब क्या है? शुद्ध शील माने अपने पति में संतुष्ट, ऐसे ही शुद्धोपयोग का मतलब क्या है? जो उपयोग अपने स्वरूप में संतुष्ट है। केवल लगा हुआ है, ये हल्का शब्द है, इसलिए हमने संतुष्ट शब्द कहा। संतुष्ट का मतलब और बातों को सुनना भी नहीं चाह रहा, वो संतुष्ट है। जैसे जिसको मिथ्या संतुष्ट हो जाए तो वो सुनता ही नहीं है, फिर तुम कहो कहते रहो जो कुछ कहो, उंगलियां हलाने, पांव की तो हलाना ही है, हाथ की हलाना तो हाथ की हलाना, अब बंद हो गई और जाकर के बैठ जाना है तो बैठ जाना है, अपने हिसाब से काम करना है तो करना ही है। ये देह हमारी तो क्या करें, हम आए थे तुम बोले नहीं, कहे अब क्यों नहीं हल रही, अब कैसे बंद हो गई, किसने बंद करी? सोचो समझो विचार करो भाई, तुम ही से कह रहे, कहू और से नहीं कह रहे, कि वो तुम्हारा भला तुम्हारे से होगा, दूसरे से नहीं होगा। शुद्धोपयोग मने अपने स्वरूप में संतुष्ट है उपयोग, और कुछ जानने की अभिलाषा भी नहीं। चलो वहां कहा देखा है, कहा है वहां, चलो घूमिया कहा घूमिया, कहा घूमिया, कोई धर्म लाभ का अवसर हो तो चलो। इरिया समथिंग बताया था ना आपको, बिना धर्म प्रयोजन के कहीं गमन भी नहीं करते, वे गमन भी करते केवल धर्म प्रयोजन के लिए, अपने रागादि को मिटाने के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, समाधि योग्य स्थान की खोज के लिए, साधर्मियों की वैयावृत्ति के लिए, तीर्थ आदि की वंदना के लिए, और लौकिक प्रयोजन नहीं है। तो केवल चलने में ही लौकिक प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं है, बोलने में भी कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है। भाषा समिति तब बनेगी, ऐसा समिति मतलब ये है, खाने में कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, कोई स्वाद का प्रयोजन नहीं है, खाने में भी कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, संयम की रक्षा, संयम के लिए ही स्वास्थ्य की अनुकूल, बाद बाकी और कोई प्रयोजन नहीं। उठाने धरने में भी कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, मन से उठाई और फिर फेंक दे, लौकिक प्रयोजन नहीं। सांस उठाएंगे, पीछे उठाएंगे, कमंडल उठाएंगे, देख करके रखेंगे। सुच ज्ञान संयम उपकरण लख के गहे, लख के धरे, यद्यपि वे कार्य लौकिक कार्य है, लेकिन लौकिक कार्यों में भी लौकिक प्रयोजन नहीं है, ये कहने का मतलब है हमारा। चलना, खाना, पीना, बोलना, उठाना, रखना, मलमूत्र आदि का त्याग होना, ये सब लौकिक कार्य हैं, देहात्रित कार्य के नहीं, लेकिन इनमें भी लौकिक प्रयोजन नहीं है। आयतना चार रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए आयतना चार रूप प्रवृत्ति तीव्र कषाय रूप है,
समिति के प्रसंग में भूल के संबंध में सातवें अधिकार में टोटोमल जी ने लिखा है, मुनिराजों के बहुत मंद कथाएं होने पर गमनाधिकार होते हैं, इसलिए दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहता। दूसरे जीवों को दुखी करके सुखी होने की कल्पना मिथ्या अन्याय है। दूसरे का शोषण करके अपना पोषण नहीं करने की बात है। दूसरों को गिरा करके नहीं उठना है, दूसरों की रोटी छीन करके आजीविका छीन करके हम अपने एक हो जाए करोड़पति अरबपति ये लुटेंगे और कुछ नहीं होगा। देश में आतंकवाद की वृद्धि क्यों हुई विश्व में? भैया अनेकांतवाद भूल गए, सहअस्तित्व की भावना भूल गए। भाई मगन है, हाँ हम हो गया। अरे रे प्रभु विचार करो, माने लौकिक प्रयोजन नहीं है वहां, शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए ही ये कार्य। शुद्धोपयोग एक हमारा लक्ष्य है, लक्षण नहीं कह पाओ तो लक्ष्य कह दो चलो, क्योंकि लक्षण हर समय होना चाहिए तो ज्ञानी के हर समय नहीं है, श्रावक की भूमिका में, लेकिन लक्ष्य तो हर समय है, प्रतीति तो है ही। अरे मुनिराजों के लिए तो क्या लिखा, शुद्धोपयोगी है श्रमण, शुभोपयोगी भी श्रमण। तुम्हारे हिंदी अनुवाद में ही भी का उल्टा हो गया थोड़ा, अब शायद सुधर गया हो, कही तो थी हमने। शुद्धोपयोगी है श्रमण, शुभोपयोगी भी श्रमण, शुद्धोपयोगी निराश्रव, शुभोपयोगी साश्रव। शुद्धोपयोगी जो मुनीश्वर हैं वे निराश्रव होते हैं, उनके कोई आश्रम नहीं होता, और शुभोपयोग उनके पाप आश्रम नहीं होते। वितरागी परमेश्वर की कोई चार गति में से कोई गति नहीं है, पंचम गति है, और शुभोपयोगी जीवों की कुगति नहीं होती। अपने उपयोग को साधो, को मत साधो, एक है साधन सब सदें, अपने उपयोग को साधना ही हो, हमारा उपयोग विकृत ना हो जाए, उपयोग न बिगड़े। उपयोग निर्मल रहेगा, उपयोग शुभोपयोग भी रहेगा तो जल्दी से शुभोपयोग में पहुंच सकोगेगा तत्व ज्ञानी की, और अगर अशुभोपयोग में चला तो देर लगेगी। शुभोपयोग को मालूम है क्या कहा, शुभोपयोग को शुद्धोपयोग की तलैटी कहा। तलैटी में खड़े हैं, शुभोपयोग निचली भूमिका में शुद्धोपयोग का सहचर है, लेकिन अशुभोपयोग तो संपर्क रहित। अशुभोपयोगी जीवों को कहां रखी ये बातें, अशुभोपयोगी का मतलब है देह में मगन, विषयों में मगन, परिग्रह में मगन, विकथा में मगन, व्यसनों में मगन, जितनी जितना तीव्र कथा है वो
कल रात को एक बात कही थी, आराम जिसे हम आराम कहते वो प्रमाद है। एक मुंडा है सामाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। आत्मा की परिणति को आत्मा में आराम मिलेगा। तुम्हें अपने घर में आराम मिलेगा कि बाहर परदेश में सड़क पे आराम मिलेगा? निज घर बिना विश्राम नहीं। आराम कर रहे हैं, आराम करने का मतलब है सामाय करना। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। आराम करना है तुम्हें तो आराम करने के लिए आप वस्तु स्वरूप का विचार करना शुरू करो। देह भिन्न है ये विचार करो, परमाणु मात्र मेरा नहीं है ये विचार करो। देह की अवस्था मेरी अवस्था नहीं है, देह के छूटने से मेरा नाश नहीं होगा, ये सब मेरे कार्य नहीं है, ये सब पुद्गल के कार्य हैं। मेरा कार्य तो अपने को आप रूप जानते हुए आनंदित रहना है। अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवना ये अपना कार्य है, ये अपने काम नहीं है। इसीलिए हम बेगार की तरह करते हैं। हाँ, सारे कार्य करो तो मान ले, लेकिन अपनी इच्छा के कार्य तो बेगार की तरह नहीं करती। देखो भाई, हर जगह सूक्ष्म उपयोग रखो। एक सेठ बड़ा व्यापार काम धाम कर ले, लड़का अपने लापरवाह, वैसे कोई खास बात भी नहीं लेकिन लापरवाह है। अनेक और मुनीम लगे, नौकर लगे, काम चल रहा खूब। लड़के देखा, बेटा खुद देखा करो जा करके, अपनी पकड़ बनाओ व्यापार पर। मुनीमों के और नौकरों के भरोसे मत रहो, आज तो हम हैं कल तुम, खुद देखो खुद समझो इस सारी व्यापार को। लेकिन बच्चों का काम हंसी में टाल देना तो है ही बड़ों का काम। जवानी का एक साहित्यिक ने लक्षण लिखा, बेहिचक गलती करो, बेहिचक कोई मत करो, वह बड़े कुछ कहें हंस करके रह जाओ, चुप रह जाओ और बस अपने हिसाब से करो, ये लक्षण। पिताजी का देहांत हो गया, लड़के के ऊपर व्यापार की जिम्मेदारी आ गई। मुनीमों के भरोसे और नौकरों के भरोसे व्यापार क्या चलता? मुनीमों और नौकरों के भरोसे का व्यापार उन्हीं के लिए हो जाए, घाटा होने लगा साल भर नहीं हुई, व्यापार घाटे के बजट बनने लगे। लड़का परेशान, पिताजी के सामने आमदनी ये हो क्या गया, समझ में नहीं आ रही। समझ में कैसे आए? दर्शन करने का नियम था, स्वाध्याय होता था मंदिर में, बैठने की जरूरत नहीं थी, केवल अच्छा लगता, इतनी संस्कार थी। जब परेशानी होती है तब सोचता चलो नेक बैठते हैं। तो पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी एक समस्या है, बोलो। पिताजी के सामने हमारा ऐसा व्यापार चल रहा था और आज पंडित पिताजी की जाते समय ये सब गड़बड़ हो गई, क्या समझ में? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अपनी पकड़ बनाओ, पिताजी कहते थे वही बात याद करो, खुद जितना कर सको घटाओ लेकिन दूसरों के भरोसे मत करो। लड़के ने जल्दी उठा करो, देर तक नहीं, जो देर तक सोता है उसका भागी भी सोता है, जो देर तक सोता है उसका भागी भी सोता है।
जल्दी उठाता हो, जल्दी उठा, जल्दी अपने हैं जो कुछ भी नमकार मंत्र पढ़ना था पढ़ा, नहाया धोया मन ले गया और जल्दी पहुंच गया। तो देखें चलो आज खेत गाय घूमे आए हैं तो गाय भैंसों का दूध बोल देगा, अरे आज उतरे धर दो झोपड़ी में, आज लेकर के आ गया पानी मिला करके। क्यों जे क्या, जैसे ही उसने देखा भैया साहब आ रहे तो बस आओ काय जी का, अरे कछु नहीं बस रास्ता सही हो गया। उधर दुकान पर पहुंचा सो उन्होंने देखा वाला जी क्या मामला, कोई बात नहीं कहा किसी से कुछ नहीं, समझदार आदमी कहता बाद में है पहले सोचता है, युक्ति लगाना चाहिए पहले, बिना युक्ति के जो बिना जो होश के जोश काम नहीं आएगा, पहले कहने लगे कहवे से काम नहीं चलेगा, पहले सोचो। आप लोगों को बुलाया देखो भाई तुम सोचो भैया साहब का नुकसान है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलेगी तुम क्या करोगे, जब तनख्वाह नहीं निकल जब व्यापार में घाटा होगा तो हम तो बंद करेंगे इस व्यापार को, तुम ही बेरोजगार होगे, सोच लेना गलती हो गई और आप ध्यान रखेंगे बच्चे इसी के लिए कह रहे, इस नुकसान को अपना नुकसान समझो, अरे तुमको जरूरत क्या है सो तुम और बता हम और देंगे उसको, लेकिन ऐसा मत करो। पिताजी के समय के आदमी लापरवाह को देख करके लापरवाह बेबी अपने बना रहे थे, जब उन्होंने देखा भैया साहब की निगाह में सब आ गया और सब है तो अब करना मुश्किल है, सारी व्यवस्थाएं बन गई बदल गई, तब उसे समझ में आई अगर हम मंत्र तंत्रों के चक्कर में पड़ जाते कव तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते तो क्या होता है, अरे स्वाध्याय में बैठे पंडित जी से पूछी सही सलाह मिल गई, पिताजी सही कहते दैनिक श्रोता बन गया स्वाध्याय का, व्यापार बन गया और सोचा जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं जगत में जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान स्वाध्याय में है और कहीं नहीं, इसलिए तत्वज्ञान का जितना प्रसार हो उतना प्रसार करना चाहिए। भूपयोग लक्षण नहीं कह रहे हम निचली भूमिका में, हर समय नहीं रहता लेकिन लक्ष्य हर समय है इसलिए हम उसे लक्षण कह रहे, जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे उसे लक्षण कहेंगे। बताओ हाँ मति होती है, बिल्कुल होती है, उसको अगर लक्ष्य में ले तो फिर उपदेश नहीं हो पाएगा, वो निश्चय का कथन है ये व्यवहार का कथन है, इतना अंतर है। वास्तव में बात आज सही कह रहे हो, जैसी खोटी होना रहो तो खोटी बुद्धि हो जाएगी, वो सुनेगा ही नहीं, उनकी सुने हो तुम्हारी नहीं सुने हो, लेकिन उपदेश तो बुद्धिपूर्वक दिया जाता है, उपदेश तो बुद्धिपूर्वक दिया जाता है, इसलिए बुद्धिपूर्वक इसमें प्रवर्तो है, सर पाता है बुद्धिपूर्वक भागने की कोशिश करते, भागते भागते उडंग मार दे तो मारे देव क्या करे, इलाज कराते बुद्धिपूर्वक आय पूरी हो मर जाए तो मरे जाए कौन बचाएगा है, तो जैसी बुद्धि होती है जैसी भवितव्य होता है वैसी बुद्धि होती है, ठीक है ना। अब उपदेश शैली दूसरी होगी कि जैसा भवितव्य बनाना है जैसा भविष्य बनाना है तैसी बुद्धि करो, जैसी गति तैसी मति, अब हम कह रहे हैं जैसी चरणन योगी जैसी मति तैसी गति, यहां बुद्धि चलाओ यहां चलाओ आप बुद्धि चलेगी। तो शुद्धोपयोग ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का लक्ष्य है, ज्ञानी का जीवन है, ज्ञानी का स्वरूप है, यही तो है जो स्वाभाविक भाव है धर्म है। मोक्ष मार्ग साक्षात मोक्ष मार्ग है, ऐसे शुद्धोपयोग के लक्ष्य से ही स्वाध्याय हो तो दर्शन हो तो समागम हो तो भक्ति हो तो शुद्धोपयोग के लक्ष्य से
इसलिए शुद्धोपयोगी साधुजनों की संगति ये श्रेष्ठ संगति कही है। श्रावक को श्रवणोपासक कहा है, श्रवणोपासक माने शुद्धोपयोग का उपासक, ये समझ लेना। श्रवणोपासक का अर्थ भी यही लेना चाहिए, शुद्धोपयोग का उपासक, वो दर्शन कर रहा है शुद्धोपयोग के दर्शन कर रहा है, शुद्धोपयोगी परमेश्वर का दर्शन करेगा, भक्त भावना भाएगा, भक्ति करेगा तो शुद्धोपयोग की भावना भाएगा, संगति करेगा तो शुद्धोपयोगी साधजनों की संगति करेगा। है शास्त्र में स्वाध्याय करेगा तो शुद्धोपयोग का स्वरूप पहचानेगा, शुद्धोपयोग के साधन पहचानेगा, शुद्धोपयोग में की भावना भाएगा, और क्या करेगा बोलो, उसके चारों शुद्धोपयोग के ही वही घूम रहा। और शुद्धोपयोग को छूटा हुआ जो परिणाम है वो ही शुभोपयोग है, ये समझो। शुद्धोपयोग की भावना क्या है, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग की पंच परमेश की भगवंतों की भक्ति क्या है, शुद्धोपयोग की के लिए स्वाध्याय, शुद्धोपयोग के लिए स्वरूप की भावना, शुद्धोपयोग के लिए अपना उपयोग पर से हटाने के लिए वैराग्य भावना, बारह भावना, व्रत तप संयमशील, ये सब शुभोपयोग है। कोई शुद्धोपयोग को छोड़ करके उत्कृष्ट शुभोपयोग भी प्राप्त उसी प्रकार नहीं कर पाता जिस प्रकार, बस दृष्टांत बोलो अंतिम, जैसे गेहूं का बीज बोए बिना गेहूं तो नहीं मिलते, गेहूं का भूसा भी नहीं मिलेगा। देखो आम के पेड़ फल तो आम के पेड़ पर ही मिलेंगे, लेकिन आम के पत्ते, आम की छाल, आम के बोर, दवाई के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो भी कहाँ मिलेगा। रोज रोज मांग, जरूरत पड़े तो कहाँ मांगोगे, अपने घर में पेड़ लगा ले भैया, काम खत्म। माने ये मत सोच लेना कि गेहूं तो गेहूं बोने से मिलेंगे और गेहूं का भूसा चाय जैसे मिल जाए, गेहूं का भूसा भी गेहूं के साथ में अपने आप मिलेगा और गेहूं के बिना नहीं मिलेगा। तो उत्कृष्ट शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लक्ष्य से अपने आप होगा, और शुद्धोपयोग को पहचाने बिना, शुद्धोपयोग के लक्ष्य के बिना उत्कृष्ट शुभोपयोग भी नहीं होगा, ये समझ लेना। इसलिए उत्कृष्ट देवादिक के पद, तीर्थंकर आदि पद भी उसे अपने आप नहीं मिलेंगे, और शुद्धोपयोग की भावना वाले जीवों को ये अपने आप मिलेंगे। शुद्धोपयोग के आराधक हैं, धर्म के अपने उत्कृष्ट प्रभावक होते हैं, और शुद्धोपयोग की आराधना नहीं करते तो प्रभावना भी उत्कृष्ट नहीं होती। विचारना ओम नमः सिद्धिभ्या सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी